हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे सूखे काले चने। सूखे काले चने बनाने के लिए हमने 1 कप हमने काले चने लिए थे, जिनको हमने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। फिर हमने इनको 2 गिलास पानी डालकर 1 टीस्पून हमने नमक इसमें ऐड किया था, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा ऐड कर 4 से 5 सीटी लगाकर इनको अच्छे से गला लिया है। काले चने बनाने के लिए हमने 1/2 टीस्पून हल्दी ली हुई है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने लिया हुआ है जीरा, 1 पिंच हमने ली हुई है हींग, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमने लिया हुआ है खटाई, 1/2 टीस्पून हमने लिया हुआ है भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल लिया हुआ है। यहाँ हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हींग और जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हल्का सा गोल्डन होने देंगे। जीरा हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, खटाई, भुना हुआ जीरा। अब हम इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे। बेसन को हमें हल्का सा भूनना है। बेसन भी अच्छे से भून चुका है मसाले के साथ। अब हम इसमें काले चने ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी हमें बहुत थोड़ा यूज़ करना है। पानी के सूखने तक हमें काले चने को इसी तरीके से लो फ्लेम पे भूनना है। मसाले में पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और काले चने हमारे मसाले में अच्छे से कोट हो चुके हैं। अभी हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। काले चने हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को हम ऑफ कर देंगे और काले चने को अलग बाउल में निकाल लेंगे। काले चने बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।